दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अखरोट खाने के फायदों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अखरोट ड्राई फ्रूट में सबसे हेल्दी माना जाता है। अखरोट में टॉप क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और यही खूबी इसे बाकी ड्राई फ्रूट से अलग रखती है। अखरोट में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम और विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैसे तो हम सभी लोग अखरोट खाते हैं, परंतु इसे खाने का सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आपको अखरोट खाने का सही फायदा मिलेगा। और किस तरह के अखरोट हमें बाजार से खरीदना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सभी कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की स्वास्थ्य वर्धक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जान लेते हैं अखरोट का सेवन कैसे करना है। दोस्तों दो अखरोट को रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह अखरोट को मसल कर एक गिलास दूध में मिलाकर उसमें स्वादानुसार मिश्री मिला लें, फिर उसको उबाल लें। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तब इसे गुनगुना कर रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं। पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण दूध कई लोगों को नहीं पचता, तो वे लोग सुबह या दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद या रात के खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों अखरोट खाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, खासकर जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, ऐसे में अखरोट बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अखरोट खाना शुरू करते हैं तो आर्थराइटिस में जो दर्द से परेशान रहते हैं वो बहुत कम हो जाएगा, आर्थराइटिस में फायदा मिलेगा। अखरोट में प्रचुर मात्रा में कॉपर भी होता है। कॉपर डिफिशियंसी आपके हड्डियों की मिनरल डेंसिटी को कम करती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती है। दोस्तों अखरोट में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है, जो आपके हड्डियों में कैल्शियम अब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आप अपने हड्डियों के हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं और अब नहीं चाहते कि हड्डियों की सीरियस बीमारी आपके शरीर में आगे चलकर हो, तो आप अखरोट जरूर खाएं। दोस्तों हम सबको डेली 2 अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। अखरोट को आप दूध में डालकर खा सकते हैं, या फिर अगर आपको दूध सूट नहीं करता या दूध पीना ही नहीं चाहते तो आप अखरोट को पानी में भिगाकर खा सकते हैं। अगर ऐसे ही अखरोट को खाएंगे तो कई बार शरीर में गर्मी करता है, यदि आप इसे पानी में भिगाकर रख देंगे तो इसकी जो गर्म तासीर होती है वह थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, गर्माहट कम हो जाती है। और पानी में भिगे हुए अखरोट खाने से हमारे शरीर को भरपूर फायदा मिलता है। तो आप पानी में भिगाकर खाएं, दूध में उबालकर खाएं। रात को सोते समय अगर आप दूध और अखरोट का सेवन करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि अखरोट जो होती है इसमें मेलाटोनिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसके कारण हमें नींद बहुत अच्छी आती है, जो कि हमारे स्लीपिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसलिए अखरोट और दूध का सेवन रात को करने से गहरी नींद आती है, अनिद्रा की परेशानी दूर होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें इससे बहुत ही आराम मिलता है। इसके अलावा भीगा हुआ अखरोट खाने से हमारे शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है। वैसे बाजार में आपको 2 तरह का अखरोट मिलेगा, ब्लैक वॉलनट और ब्राउन वॉलनट। दोनों ही अखरोट बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। अखरोट खाने से आंखों की कमजोरी दूर होती है, अखरोट में हाई कैलोरी होती है, और साथ ही साथ यदि आप सुबह के समय अखरोट का सेवन करेंगे तो आपके शरीर को भरपूर फायदा मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं अखरोट का जो शेप होता है वो इंसान के दिमाग की तरह होता है, इसलिए इसके बारे में बोला जाता है कि अखरोट खाने से दिमागी ताकत बढ़ती है, दिमाग की नसें मजबूत होती हैं। अखरोट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। जो लोग अल्जाइमर के मरीज हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है, उन्हें अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे मेमोरी शार्प होती है, पढ़ने में मन लगता है, इसलिए बच्चों को अखरोट वाला दूध जरूर दें। अखरोट को खाने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अखरोट एंटी कैंसर फूड इंग्रेडिएंट माना गया है। एक रिसर्च के अनुसार अखरोट आपके शरीर में कैंसर होने से रोकता है
वह कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, इसका ग्रोथ डिले करता है। यानी अगर आपके शरीर में कैंसर सेल्स आ भी गए हैं तो ये डिलीट हो जाएंगे और कैंसर सेल्स को खत्म भी करता है। रोजाना अखरोट का सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बहुत कम करता है। चेहरे पे झुर्रियां, दाग धब्बे दूर होते हैं, स्किन में चमक आती है, स्किन को हमेशा जवां बनाए रखेगा। इसके साथ ही स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही साथ बालों का झड़ना भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपके बाल उम्र से पहले पक रहे हों या झड़ रहे हों तो चिंता करना छोड़ दीजिए, आज से इसका सेवन शुरू कर दीजिए। 2 हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिलेगा, बाल काले, घने व स्वस्थ होने लगेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से निराश हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, शरीर सुडोल बनाता है, साथ ही शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके सेवन से शरीर की अंदरूनी कमजोरी जड़ से खत्म होने के साथ शरीर सुंदर व सुडोल बनती है। सुबह उठेंगे तो आप ताजगी महसूस करेंगे और जो आपको बेवजह थकान रहती है, कमजोरी रहती है या किसी काम को करने का मन नहीं करता है, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आज के लाइफस्टाइल में पॉपुलेट वातावरण में इनफर्टिलिटी बहुत उभर कर सामने आ रही है, लेकिन अखरोट में मौजूद एसेंशियल फैटी एसिड स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। जो फर्टिलिटी की चिन्ह चिंता है वो अखरोट का सेवन जरूर करें। इसके अलावा यह शरीर का वजन घटाने में सहायक होता है। जो लड़कियां या लड़के अपना वजन घटाना चाहते हैं उन्हें नियमित रूप से अखरोट का सेवन करना चाहिए और जो दुबले पतले हैं वो भी ले सकते हैं। ये शरीर में जबरदस्त ताकत भर देगा। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को भी दूर करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको बीमारियों से बचाने में मदद करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है, लेकिन डायबिटिक लोग पानी में भीगा हुआ अखरोट सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें फायदा करेगा। इसका सेवन आपके शरीर के लिए वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा, क्योंकि यह आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से अनगिनत बैक्टीरिया को साफ करता है। यह आपके हार्ट के हेल्थ को कई ज्यादा बढ़ा देता है। उसका कारण इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैट अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, यानी ALA, जो एंटी इंफ्लेमेटरी माना गया है, यानी इंफ्लेमेशन को रोकता है और आपके शरीर में आपके नशों में ब्लॉक क्लॉट्स होने की संभावना, यानी खून के जमने की संभावना, नशों में ब्लॉकेज होने की संभावना को बहुत कम करता है। साथ ही साथ ये आपके शरीर में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत कम कर देता है। जितने भी नट्स हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनमें से हार्ट का इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। अगर आप अपने हृदय से प्यार करते हैं तो आप जरूर अखरोट रोज खाएं। इसके अलावा अखरोट टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अखरोट में मौजूद एमिनो एसिड ऑर्गेनाइन आपके लीवर को अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और ये नेचुरली आपके लीवर को साफ करता है। अखरोट खाने का अगला फायदा यह है कि अखरोट में बहुत ही रेयर यूनिक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि आपके शरीर में उत्पन्न हुए फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं, जिसके कारण आप समय से पहले बूढ़े लगते हैं। साथ ही ये फ्री रेडिकल्स कैंसर का भी कारण बनते हैं, लेकिन अखरोट में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, ताकि आप ज्यादा दिनों तक यंग बने रहें। तो ये दोस्तों अखरोट खाने के फायदे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।